आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। टोक्यो ओलंपिक्स में आज भारतीय महिला हॉकी टीम का अभियान खत्म हो गया। कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हरा दिया। मैच गंवाने से पहले देश की बेटियों ने टोक्यो के मैदान में जो जज्बा दिखाया उसने सबका दिल जीत लिया। टीम पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंची थी। टीम के जज्बे की सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तारीफ हो रही है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खेल के मैदान में अमूमन नतीजा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जब नतीजे महत्वहीन हो जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की बेटियां ग्रेट ब्रिटेन से कांस्य पदक छीनने में तो नाकाम रही, लेकिन उन्होंने विश्व के सर्वोच्च खेल मंच पर जो खेल दिखाया उस पर हर देशवासी का सिर गर्व से तना हुआ है। देश के मिजाज को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने कुछ इस तरह स्वर प्रदान किया। हमारी छोरियां टोक्यो में डट के लड़ी हैं। अब जीतो या हारो ये तो मैच में हुआ ही करता है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं कि वो ओलंपिक में पहुंची और उन्होंने अपने जोहर दिखाए। आप मैच के स्कोर कार्ड पर मत जाइए। स्कोर कार्ड कभी किसी मुकाबले की मुकम्मल कहानी बयान नहीं करते। स्कोर कार्ड कभी ये नहीं बता पाएगा कि भारत की महिला खिलाड़ी किस तरह टोक्यो के स्टेडियम में शेरनी की तरह ब्रिटिश खेमे पर हमला बोलती रही, किस तरह उन्होंने पिछड़ने के बाद पलटवार कर बढ़त बनाई। देश की बेटियों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, बस आज दिन हमारा नहीं था। सुनिए आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में टीम की कप्तान रानी रामपाल ने मैच के नतीजे पर क्या कहा। हम लोग काफी डिसअपॉइंटेड है बिकॉज हम लोग बहुत क्लोज थे मेडल के, बट आई एम प्राउड ऑफ द टीम कि हम सब ने बहुत अच्छी फाइट की और हम लोग 2-0 से डाउन थे, बट 2-2 बराबर करना एंड 3-2 की लीड हमने ली थी। बट आई थिंक आज हमारा दिन नहीं था शायद, बट आई एम सुपर प्राउड ऑफ द टीम। वाह क्या मुकाबला था। आखिरी समय तक धड़कनें तेज थीं। ग्रुप मैच में भारत को 4-1 से पीटने वाली ग्रेट ब्रिटेन की टीम को इस टक्कर की कतई उम्मीद नहीं थी। भारत की जाबाज बेटियों ने उन्हें अपने प्रदर्शन से विस्मित कर दिया। मैच के बाद ग्रेट ब्रिटेन के हॉकी संघ ने भारत की बेटियों के जज्बे को सलाम करते हुए ट्वीट किया, क्या शानदार मुकाबला था, क्या शानदार विपक्ष। हॉकी इंडिया अपने टोक्यो में कुछ खास किया है, अगले कुछ साल चमकीले दिख रहे हैं। इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर लगाई गई है जिसमें हार के बाद मायूस नेहा को ब्रिटिश खिलाड़ी ढांढस बंधाती नजर आ रही हैं। खिलाड़ियों के परिवार में निराशा है। नेहा गोयल की मां रो पड़ी, लेकिन इन आंसुओं में हताशा नहीं बल्कि एक उम्मीद छिपी है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कुछ इस तरह व्यक्त किया। इस टीम पर गर्व है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हमारी महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन को हम हमेशा याद रखेंगे। हम महिला हॉकी में बेहद करीब से पदक चूक गए, लेकिन यह टीम नए भारत की भावना को दिखाती है। टोक्यो ओलंपिक्स में उनकी सफलता देश की बेटियों को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करेगी। इस टीम पर गर्व है। सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में साधना कर रहे थे, आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। मैच पर वापस लौटते हैं। पिछले रियो ओलंपिक के विजेता और दुनिया की 4 नंबर की टीम ग्रेट ब्रिटेन को 16वें मिनट में एलेना रायर ने बढ़त दिलाई और फिर 8 मिनट बाद कप्तान हॉली वेब के गोल से ग्रेट ब्रिटेन 2-0 से आगे हो गया। लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में 7वें नंबर की टीम भारत ने इसके बाद 5 मिनट के भीतर 3 गोल कर विरोधियों को सन्न कर दिया। गुरजीत कौर ने 25वें और 26वें मिनट में गोल किया, जबकि 29वें मिनट में वंदना कटारिया ने गोल कर भारत को 3-2 से आगे कर दिया। लेकिन इसके बाद भारत अपनी बढ़त बरकरार नहीं रख पाया।
35वें मिनट में कप्तान होली वेब ने ब्रिटेन को बराबरी दिलाई और फिर 48वें मिनट में ग्रेस वाल्डसन के गोल से ब्रिटेन आगे निकल गया। महिला टीम ऑलरेडी इतिहास रच चुका है, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस जैसे हम देख चुके हैं। फ्यूचर मुझे दिख रहा है महिला टीम का, जिस तरीके से हॉकी आज खेल रहे हैं, जिस और सबसे बड़ी बात कि टीम में कॉन्फिडेंस आ गया है जो दिख रहा है हमें। यही भावना देश में हर तरफ है। हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए टोक्यो ओलंपिक में खेलने वाली अपने राज्य की सभी 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख की नकद सहायता देने का ऐलान किया है। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है। भले हम कांस्य मेडल तो नहीं जीत पाए हैं, लेकिन यह कहीं कांस्य मेडल से कम भी नहीं है कि इस चौथे स्थान पर भी आने के लिए जितना संघर्षपूर्ण इन्होंने खेल किया, तो मैं समझता हूँ इस बेहतर प्रदर्शन के, इस खेलने के कारण से मैं आज हरियाणा की सभी जो 9 खिलाड़ी हैं, इनको भले ही ये चौथे स्थान पर आए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से इनको सबको 50-50 लाख रुपए का और एक इनाम देने की मैं घोषणा करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि इस अपने खेल को और बेहतर करते हुए अगली बार के किसी भी प्रदर्शन में और आगे बढ़े और गोल्ड का जो मेडल है वो जीत करके लाए। बेटियां मैच हारी हैं, वो टोक्यो से खाली हाथ लौटेंगी, लेकिन जब आएंगी तो उन्हें स्वागत में देश बाहें फैलाए मिलेगा, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया है जो 41 साल में नहीं हुआ। मैच के बाद कोच श्रोएड मराइन के शब्द सुनिए, हमने पदक नहीं जीता, लेकिन मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ बड़ा जीता है। हमने भारतीयों को फिर से गौरवान्वित किया है, हमने लाखों लड़कियों को प्रेरित किया है कि सपने सच हो सकते हैं। जब तक आप इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, समर्थन के लिए धन्यवाद। शाबाश टीम इंडिया, हमें आप पर नाज है। टोक्यो से बोरिया मजूमदार के साथ राहुल रावत के साथ आज तक ब्यूरो। तो टोक्यो में देश की बेटियां खेल रही थी और इधर सैकड़ों मील दूर उनके घरों में उनके परिवारों के लोग टीवी सेट के सामने दुआएं कर रहे थे। मैच खत्म हुआ तो सबने यही कहा, बेटियों नाज है तुम पर। सुबह सोनीपत में मिडफील्डर नेहा गोयल के घर का नजारा कुछ इस तरह का था। टोक्यो में बेटी बड़े मुकाबले में उतर रही थी और इधर मीलों दूर माँ ईश्वर से दुआ कर रही थी। भगवान की मूर्ति हाथ में लिए नेहा की माँ और बहन पूरे समय मुकाबला देखती रही। मैच खत्म होते होते आंखें नम हो गई, भावनाओं को काबू में रखना मुश्किल हो गया। दिल में ओलंपिक मेडल फिसलने की कसक, आंखों में आंसू। माँ के इन आंसुओं में नेहा के संघर्ष की पूरी कहानी छिपी है, किस तरह माँ ने फैक्ट्रियों में काम कर नेहा को इस मुकाम तक पहुँचाया। ये तो उसने तो बहुत मेहनत करी है, बहुत बराबर खेल लिया, ये बढ़िया भी कर लिया, फिर हार गई तो क्या हो गई, आगे और बढ़ेगी, आगे और अच्छा खेलेगी और जीत पाएगी। फिर आप फैक्ट्रियों में काम करती थी, आपने कितनी मेहनत करी है नेहा के लिए? मैंने तो मेहनत बहुत करी है, वार चल चमड़ा, जूता फैक्ट्री, फोन फैक्ट्री, जो घर में आता था वो करते थे, आजकल बच्चे भूखे सोते थे, ऐसे काम चलता था मेरा। तो थोड़े बहुत पैसे ले आते थे, अभी मेहनत मजबूरी करके ऐसे पाले थे, कोई मेरा साथ नहीं था, कोई चाहता था ना कोई नहीं था। नेहा गोयल के परिवार को पदक न मिलने का मलाल तो है, लेकिन हार की निराशा नहीं, क्योंकि इस हार से बड़ा है वो जीत का जज्बा जिससे आज पूरा हिंदुस्तान खुश है। उधर हरियाणा के शाहबाद में कप्तान रानी रामपाल के घर पर भी सुबह से हलचल तेज थी। 7 बजने से पहले ही परिवार और आस पड़ोस के लोग टीवी सेट से चिपक गए। मैच का हर उतार चढ़ाव उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। 3-4 का कोई उनका कोई जीतना नहीं है, लेकिन लड़कियों ने लास्ट लग भी हिम्मत नहीं आ रही है और आगे भी हिम्मत नहीं आती है। वो लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हम इसको हार में नहीं मान रहे अपनी लड़की की टीम को, ये भी जीत है। रानी की स्वागत की तैयारियां वैसे ही होंगी जैसे पहले थी,
अब भी खुशी से स्वागत होगा। भारत की बेटियों ने भारत का नाम रोशन किया है। आज ब्रॉन्ज मेडल चाहे नहीं मिला, लेकिन यहाँ रानी रामपाल के घर पे उनके पिताजी का सीधा ये बयान है कि जिस मुकाम पर बेटियां आज पहुंची हैं, उससे देश का, परिवार का सर गर्व से बहुत ऊंचा उठा है। और ये हार नहीं, इसी को जीत माना जाएगा, क्योंकि इन बेटियों ने जो आज कर दिखाया है, उससे कई सालों तक देश की बेटियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। हरियाणा का शाहबाद महिला हॉकी का हब माना जाता है। रानी रामपाल के अलावा नवजोत कौर का घर भी शाहबाद में है। टोक्यो ओलंपिक में बेटियों की उपलब्धि ने परिवार को गर्व से भर दिया। बहुत अच्छा खेले हैं बच्चे, बहुत, बस हौसला रखे, घबराए ना जी। आज पूरे देश की निगाहें इस टीम, इस मैच पे थी। ब्रॉन्ज तो नहीं मिला, लेकिन क्या कहेंगे उन टीम को आप? ब्रॉन्ज मिले ना मिले, दो टीमां खेड दिया जी, कोई भी एक टीम जीत दी है, कोई गल नहीं। वो अच्छा खेडे था जीत गए, ये थोड़ा माड़ा खेडे था, ठीक है जीत हो गए। बाकी ये नहीं है कोई मैच नहीं जीते, इतों तक पहुँच गए, यही बहुत कुर्बानी है जी उन्होंने, बच्चों की बड़ी मेहनत है। मार दिया महिला हॉकी के आज पदक न जीत पाने से आप भी निराश होंगे, तो जरा इन खिलाड़ियों के जीवन में झांक लीजिए, आपको इनके प्रदर्शन को सराहने और गर्व करने की वजह मिल जाएगी। जिन गरीब परिवारों से ये आती हैं, उसे देखते हुए ओलंपिक में यहां तक पहुंचना किसी परिकथा से कम नहीं। मिलिए मोनिका मलिक के परिवार से। हार्डवर्किंग तो वो स्टार्टिंग से ही थी, उसने फिर और हार्ड वर्क किया तो इस लेवल पे फिर वो पहुंची। 18 हेक्टर दूर था स्टेडियम उसका, वहाँ पे साइकिल से वो जाया आया जाया करती थी, तो फिर इतनी दूर वो शाम को लेट भी हो जाती थी आने में, तो चिंता तो होती थी, लेकिन उसका पैशन था खेलना, तो उसको नहीं रोक पाया वो। तो ये मोनिका मलिक का परिवार हमारे साथ मौजूद है और बता रहे हैं कि ये हॉकी का खेलना भी इतना आसान नहीं था, बहुत चुनौतियां थी। 100 रुपए की हॉकी खरीदने के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी का आलम घर में हो जाता था, लेकिन हौसला और हिम्मत ना इस परिवार ने हारा ना मोनिका ने हारा, और इसी हौसले की वजह है कि आज भारतीय हॉकी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और हॉकी की इन खिलाड़ियों को देश के साथ साथ पूरी दुनिया कहीं ना कहीं सर झुकाकर नमन कर रही है। हर खिलाड़ी के घर में यही जज्बा है। हरिद्वार में वंदना कटारिया का परिवार हो, या अमृतसर में गुरजीत कौर का घर, या फिर झारखंड के सिमडेगा में सलीमा चेठे का परिवार। हम लोग मेरी दीदी को बहुत ई किए खेलने के, बहुत उसको जोश था, तो खेलने के लिए हम खेल लेंगे बोल के बोली। उसके बाद में हम लोग उसको हॉस्टल में डाल दिए। उसके बाद में मेरी दीदी खेलती थी तो हम भी उसको देखने के लिए जाते थे, हमको भी मन करता था उस टाइम खेलने के लिए, तो हम भी आपके जैसे खेलेंगे हम बोल रहे थे दीदी को। रिजल्ट तो परमात्मा दे हाथ है जी, बाकी सानू जो गुरजीत कौर तो मिली सी उन्हें उस तो भी ज्यादा वधिया खेली है जी। उन्हें दो टीम करके पंजाब की झोली में पाए, दो गोल करके पंजाब की झोली में पाए है जी, तो सानू उम्मीद सी, बाकी चलो जो परमात्मा दे हाथ है जी। बच्चों ने बहुत मेहनत की और फिर पीछे हो गए एकदम से, तो उसमें क्या कह सकते हैं ये तो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।